वेलकम टू द वाइट सिटी उदयपुर। इसे कई नामों से जाना जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, कश्मीर ऑफ राजस्थान, वेनिस ऑफ ईस्ट। यहाँ रंग है जो ख़त्म नहीं होते और शहर के लोग हैं जो किसी वक्त नहीं सोते। खानों में है मिर्ची का एहसास और लंबा चौड़ा है इनका इतिहास। सो लेट मी टेक यू टू द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ टाइम। सो वी स्टेड एट लालघाट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है। जयवाना हवेली हमने चूज़ करा, जो कि हमें अगौडा की वेबसाइट से सस्ता पड़ा। इसमें दो टाइप के रूम्स थे जो कि बहुत अच्छे थे। तो वी आर एट आर होटल्स कैफे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ आ रहा है। तो उदयपुर में भी या राजस्थान में एंटीक शॉप्स काफ़ी हैं, जहाँ पर आपको 400 साल पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी और वो उतनी ही एक्सपेंसिव होंगी। पर आपको कुछ हिप्पी टाइप की चीज़ें भी मिल जाएंगी और ब्लॉक प्रिंट में शर्ट्स और कुर्ते भी मिल जाएंगे। शॉप नंबर कैसे मेंशन करूँ? 14 लालघाट। 14 लालघाट, फैब्रिक राधा कृष्ण। सो दे हैव द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग्स हियर एंड कस्टमाइज्ड डिजाइंड फ्रेंड्स, कितने प्रीटी हैं, एंड हैंडमेड श्रग्स, ज्वेलरी। ये वाली शॉप जयवाना हवेली के पीछे पड़ती है और ये जैकेट इन्होंने मुझे 3000 की कोट करी और 2000 में दे दी। तो आपका कोई कॉन्टैक्ट हो जिससे अगर बाई चांस किसी को मंगाना हो? We have Instagram page called Fabric Ashoka. Okay. You can DM us a message there. Okay. Send things. So you can follow them there. I'll give the link in the description box. So they make all these things. ये फैब इंडिया का सबसे बेटर वर्जन जो है ना, ये शॉप थी। इसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकल के लालघाट वाली मार्केट में ही घूमती रही, जिसमें मेरे को ये वाली टाइप की जैकेट्स दिखी जो कि इतनी ऑथेंटिक और हैंडवर्क की हैं, और ऐसी स्कर्ट्स भी, पंजारन वाली स्कर्ट्स जो मिलती हैं। अरे पौरुष जैसी शक्लें मिल रही हैं यहाँ पे। पौरुष आपके जान पहचान के लोग हैं यहाँ। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक हैं, ये काफ़ी पुरानी हैं, 4000 साल जो भी डिफरेंटली इन्होंने क्यूरेट करी हैं, और ये इनके कोटेशन भी 4000 रुपीज़ कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों का। फिर हम गए एक पेंटिंग शॉप में जो कि सिटी पैलेस में काम करते हैं। कैमल फॉर लव एंड हॉर्स फॉर पावर, सो लव लक एंड पावर। फैब्रिक के ऊपर है। अच्छा, ये 10 रुपीज़ की है। कौन सा डिजाइन? ये कितने की है? ये 650 की है। राजस्थान पॉपुलर है कुंदन और मीनाकारी वर्क के लिए, और बैंगल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। के आर्ट शॉप पे आप जा सकते हो, यहाँ पर हैंड पेंटेड बैंगल्स थी। ये आपने जो अभी पहना हुआ से मैच कर रहा है, अदरवाइज ज़्यादा रेट अपन किसी का लेते नहीं। और पेंटेड वाले में दिखा। और 150-100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी बैंगल्स की प्राइस। फिर मैं चली गई कुर्ते वगैरह देखने के लिए। सिटी पैलेस वाली लेन है जो कि आपको क्लियरली दिख जाएगी। यहाँ पे काफ्तान, स्कर्ट्स, घाघराज और धोती वगैरह भी मिल जाएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स का स्टफ भी मिल जाएगा। गनगौर घाट पे आप जाके व्यू ले सकते हो लेक का, जो कि आपको बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पर मोस्टली भीड़ रहती है, पर आपको पिक्चरस्क फोटोज़ और पिक्चरस्क व्यू देखने को ज़रूर मिलेगा। हमने अभी ऑमलेट ऑर्डर करा है, क्योंकि हमें और एक यहाँ पर एक एग्स की डिश है, उसका नाम था केजरीवाल एग। केजरीवाल, केजरीवाल से एक नहीं था, एग्स केजरीवाल था। हाँ, ये बेसिकली ये जो निकले हैं ये एग्स, ये खास खास के निकले हैं, ये पैदा हुए हैं खास खास के। Who is here? Wow. Wow.
फिर आप सिटी पैलेस जा सकते हैं जिसकी टिकट आपको लेनी पड़ती है। कैमरा इज नॉट एन इशू, यू जस्ट हैव टू बाय द टिकट, 300 रुपीस ईच, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट 200 रुपीस। सो वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ सिटी पैलेस, अभी हमने टिकट ले ली है एंड उदयपुर विदाउट मास्क यू कांट एंटर, एटलीस्ट जब तक कोरोना नहीं चला जाता। तो चलो, इट टुक अराउंड 400 ईयर्स टू बी मेड। महाराणा उदय सिंह ने इसको 1553 में शुरू करवाया था और बाकी के किंग्स ने इसको कम्प्लीट करवाया इन द कमिंग ईयर्स। इट इज़ ट्रूली अ मेजेस्टिक आर्किटेक्चरल पीस। गाइडों का चोर और जो लेटेस्ट जो गाइड बताते हैं उनकी फोटो बाहर लगी हुई है और उन्होंने जो शादी करी है वो किसी उड़ीसा की महारानी से करी है, ये मैंने सुन लिया। चीटर कॉक जल्दी चलो। लेक पिचोला पे लोकेटेड ये पैलेस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के साथ आएगा। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी दिखेंगे एंड आई कैन से इट्स द मोस्ट मेंटेन्ड पैलेस ऑफ ऑल टाइम्स। तो इस पैलेस में आपको दिखेंगे महाराणा प्रताप के ओरिजिनल कवच, जो कि उन्होंने उतने साल पुराना उन्होंने यूज़ किया था, जो 35 kgs हैवी था। इंटेलिजेंटली डिजाइंड विंडो से आपको व्यू दिखेगा लेक पिचोला का। न्यूली चोजन राजा जो है ऊपर से 1 lakh सिल्वर कॉइन्स नीचे की तरफ फेंकता था और वो जो कॉइन्स हैं वो डोनेट किए जाते थे नॉर्मल लोगों को। I can see half of Udaipur from here. It's a beautiful view. आप लोग अपने आप को फूडी कहते हो लेकिन असली फूडी तो महाराजा लोग थे। ये है लेडीज का जिम घर का, जिनका वो गाइड कह रहा था कि ये जिम खाना है। पता है जिम खाने किसको बोला था? क्योंकि इतने बड़े बड़े बर्तन थे ना, तो जो लेडीज थी वो कुकिंग करती रहती थी, इससे उनकी मसल बन जाती होंगी। मतलब जमाना चेंज नहीं हुआ, महाराजा के टाइम से अब तक चलता आ रहा है। आंगन सबसे बेस्ट पार्ट होते हैं। इस फाउंटेन के पास होली खेली जाती थी उस जमाने में और ऊपर पिंजरों में बर्ड्स रखी जाती थी मैसेजेस पास करने के लिए। भारत के सभी राजाओं को किंग जॉर्ज ने इनविटेशन दिया था दिल्ली में किसी मीटिंग में, तो महाराणा फतेह सिंह ने मिलने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रीट करने के लिए उन्हें झुकना पड़ेगा, क्योंकि मेवाड़ की एक कहावत है कि हम सर झुका नहीं सकते, कटवा सकते हैं। और ये पतले कॉरिडोर्स इसलिए बनाए गए थे ताकि दुश्मन एक एक करके ही आ पाए, झुंड में ना आ पाए। आप जा सकते हैं फतेह सागर लेक में स्पीड बोट करने, 220 की टिकट है स्पीड बोट की। आर यू एक्साइटेड? यस। Totally recommend this speedboat ride. Fateh. 220 rupees per Fateh person Sagar. Only, but ultimate fun. Worth it, yaar. Slow wali bhi achhi hogi, I'm sure. But this will be 10 on 10. Par aap Fateh Nagar ke paas hai, Fateh Sagar ke paas hai. और आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए। तो हमने खाई रबड़ी कुल्फी। फतेह सागर लेक इज़ वेरी नाइस, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है और यहाँ पर खाने की जगहें भी ज़्यादा हैं। आप कुल्हड़ कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या एग्जैक्टली। दिस इज कोल्ड कॉफ़ी इन कुल्हड़। मैंने कभी कोल्ड कॉफ़ी इन कुल्हड़ नहीं पी। फतेह सागर लेक से आप ऑटो लेके 150 रुपीस में जा सकते हैं हाथी पॉल मार्केट, जो कि बहुत ही पॉपुलर मार्केट है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बांधनी और ब्लॉक प्रिंट्स और काफ़ी सारे बेड कवर्स जो कि राजस्थानी स्टाइल के मिलते हैं। बांधनी जो है स्टार्टिंग प्राइस 500 से लेके 5000 तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल और काम क्या है। 1500 रुपये में ये 3 कुर्ते भी दे रहे थे, जो आप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल में इकट्ठा कर सकते हैं। लड़कों की शर्ट 450 रुपीज़, धोती मिल जाएगी आपको 450-500 के अराउंड, और ये भी यहाँ पर जो शॉप है ये शुरू में ही हाथीपोल में आपको दिख जाएगी। और सूट सेट्स भी मिल जाएंगे ब्लॉक प्रिंट में और लहरिया की साड़ियाँ भी मिल जाएंगी। मिंत्रा मुझे लगता है यहीं से सोर्स करता होगा हमारे बच्चे के लिए जो पैदा नहीं हुआ है।
मेरे को ये जयपुर ही होती है। इस टाइप के बेड कवर्स आपको फैब इंडिया पे मिलेंगे 4-5 हज़ार की, यहाँ मिल रहे थे 1600 रुपये के, 2000 रुपीज़ के, और उसमें भी आप बार्गेन कर सकते हैं। सूट सेट्स वगैरह कंप्लीट मिल रहे थे, बहुत ही प्रिटी प्रिटी इंडियन स्टाइल के। काइंड ऑफ स्कर्ट्स रजवाड़ी स्कर्ट्स हैं, ऐसी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे प्रिंट्स। अगर इनको मिक्स एंड मैच करो विद सेम काइंड ऑफ ब्लाउजेस, दे लुक रियली प्रिटी। प्लेन दुपट्टे कर सकते हो या गोटा पत्ती वाले दुपट्टे कर सकते हो। अगर आपने हम दिल दे चुके सनम नहीं देखी है तो देखना, वहाँ पे उसमें बांधनी साड़ीज पहनी है शुरू राय ने, और इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं ये वाली टाइप की साड़ीज। हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, टर्बन भी मिल रहे थे जो कि आप राजस्थान में हो तो ज़रूर पहन के देखना। मीनाकारी वाले ईयर रिंग्स और नेक पीसेज मिल रहे थे। जूतीज़ के लिए तो बहुत ही पॉपुलर है, बट कैमल लेदर में भी जूतीज़ मिलती हैं। और मेरे को लगता है कि आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जो एंटीक लुकिंग थोड़े से होते हैं बट होते मैन मेड है, मतलब मशीन मेड है, तो आप वो सब ट्राई कर सकते हो यहाँ से। बहुत ही यूनिक टाइप की चीज़ें हैं, बड़ी इंडियन एथनिक बोहो काइंड ऑफ लुक दे सकते हो। और यहाँ पर जो जो चीज़ें मिल रही थी वो अराउंड 500 से शुरू होकर 5000 तक अगेन जा रही थी, जैसे कि ये लैम्प्स वगैरह, ये भी आपको दिल्ली में भी देखने को मिलती है। दिल्ली हाट तक में मैंने आपको ऐसी चीज़ें दिखाई हुई हैं, और ऐसे स्टूल्स वगैरह बंजारा मार्केट में मिलते थे। तो मुझे लगता है बंजारा मार्केट इज़ सोर्सिंग फ्रॉम जयपुर एंड जोधपुर वगैरह टाइप की जगह। चेतक सर्कल, और ये JMB लग रही भाई, ये तो ये कचौड़ी जरूर ट्राई करना, इट्स नॉट टू बी मिस्ड। भागोर की हवेली में कल्चरल डांसेस होते हैं, फोक डांसेस होते हैं राजस्थान के काफी सारे टाइप के, आप थोड़ा सा ग्लिम्स देखो और उसके बाद रियल में जरूर जाके देखना। जग मंदिर जाने के लिए आपको 30 रुपीज़ की सिटी पैलेस की टिकट, और उसके बाद 500 पर पर्सन की बोट की टिकट लेनी पड़ेगी। भाई राजस्थान का कोई जवाब नहीं है मेहमान नवाजी में, ये ऑथराइज्ड पर्सनल हमें लिटरली वहाँ तक छोड़ के आए क्योंकि हम थोड़ा सा भटक गए थे। तो हम जा रहे हैं जग मंदिर पैलेस। okay, तो हम जा रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम यूटिलाइज कर सकते हैं बोटिंग के लिए, और थोड़ी धूप भी कम है। पूरा हम करके आए ना अभी ऑथराइज्ड पर्सनल के साथ, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा लगता है हम कोई VIP है। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, बड़ा शांति वाला एरिया है ये, मतलब सिटी पैलेस से क्राउड से थोड़ा दूर है। वीडियो चल रहा है, सो वी आर इन द बोट रेडी टू गो टू जग मंदिर फॉर द 5th टाइम आई एम मेंशनिंग दिस। लेट्स गो भाई साहब। आपको थोड़ी देर ये एक चक्कर कटवाएंगे अराउंड द आइलैंड्स ऑफ दिस प्लेस। जी महारानी, जी महारानी साउंड्स लाइक अ टॉन्ट, लाइक माय सास वुड से। ये वन ऑफ द मोस्ट सरियल एक्सपीरियंसेस रहेंगे, आई वुड से कि ये 500 या 1000 रुपीस वर्थ इट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ जाता है उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, बट आप जग मंदिर पहुँच के आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप साइड में बैठ सकते हो बाय द व्यू ऑफ द लेक। ऐसे ही उतरो, बहुत ही पीसफुल जगह और अच्छा बना। एक म्यूज़ियम मिलेगा जिसमें आपको कई सारी पेंटिंग्स और कई सारी चीज़ें डिस्प्लेड मिलेंगी, और फिर आप इनके रेस्टोरेंट में भी कुछ कॉफ़ी या चाय पी सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो विद द व्यू ऑफ द लेक। इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग कैफ़े भी था, यहाँ पर मतलब गनगोर घाट के पास। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस वॉचिंग दिस वीडियो, और इफ़ यू बीन टू उदयपुर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। गनगौर घाट के पास ही एक बहुत कूल कैफ़े है, बोहो कैफ़े, जिसका बहुत ही अमेजिंग व्यू है और बहुत ही अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन हो रखा है, और यहाँ पर पीरी पीरी फ्राइज़ भी बहुत अच्छे हैं।